नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएनजी पीएनजी की कीमतों में लगेगा महंगाई का झटका। सरकार ने बढ़ा दिए गैस के दाम। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से देश की जनता की महंगाई से कमर तोड़ दी है। दरअसल आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी, यानी बीजेपी सरकार आएगी, इस सरकार में महंगाई कम कर दी जाएगी। यहां तक कि बाबा रामदेव ने भी ये कहा था कि 300 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, तब से महंगाई चरम पर है और गरीब मजदूर देश में बढ़ रही महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। लेकिन अगर आप भी ये मानते हैं कि देश में आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, और ये मानते हैं कि देश की जनता मोदी सरकार से परेशान हो चुकी, मोदी सरकार को इस बात का हल निकालना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम में 62% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम में 62% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इससे सीएनजी और पीएनजी जैसे शहरों में इस्तेमाल होने वाले गैस की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। आपको बता दें, अब बड़े शहरों में लोगों को गैस के दाम में महंगाई का झटका लगने वाला है। सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम में 62% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी। इससे शहरों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और पीएनजी जैसी गैसों की कीमतों में भारी इजाफा किया गया। सरकार ने गुरुवार की शाम को नेचुरल गैस की कीमत में 62% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। नेचुरल गैस का उपयोग फर्टिलाइजर, बिजली उत्पादन और सीएनजी गैस तैयार करने में होता है। इस फैसले के बाद सीएनजी पीएनजी और फर्टिलाइजर की कीमत में जो तेजी आने वाली है, उसके आसार दिखने लगे। अप्रैल 2019 के बाद कीमत में पहली वृद्धि हुई। मानक माना जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम में तेजी के कारण गैस के दाम बढ़ रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को नामांकन आधार पर आवंटित क्षेत्रों से उत्पादित नेचुरल गैस की कीमत अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए $290 प्रति यानी 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। आपको बता दें, इस तरह गहरे सागर से निकलने वाले विभिन्न फील्ड के लिए गैस का दाम $3.62 प्रति से बढ़कर $6.13 प्रति कर दिया गया। यह रिलायंस इंडस्ट्री को केजी और D6 जैसे डीसी के निकालने वाली गैस के लिए मिलने वाली सबसे ज्यादा कीमत होगी। इसकी वजह से अब दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पाइप से आने वाले पीएनजी जैसे रसोई गैस की कीमत में 10-11% की बढ़ोतरी कर दी गई। आपको बता दें, एक बार फिर से यानी केंद्र सरकार ने देश की जनता पर यह थोप दिया और उनके ऊपर एक बार फिर से महंगाई लाकर खड़ी कर दी।